सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज से ही आपके यहाँ धन की बरसात हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, संकटों का नाश हो, हर दिल पर आपका राज हो, उन्नति का सर पर ताज हो और घर में शांति का वास हो। दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, मंगलमय हो आपका धनतेरस का त्योहार। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं, इसलिए परिवार के बिना कोई जीवन ही नहीं। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह 11:31 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 2:57 से 4:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी और यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की उदय व्यापनी त्रयोदशी को मनाई जाती है। त्रयोदशी से मतलब है कि अगर त्रयोदशी तिथि सूर्य उदय के साथ शुरू होती है तो धनतेरस मनाई जानी चाहिए। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर को प्रदोष काल। आज प्रदोष काल शाम 5:36 से 8:11 तक का है। वहीं वृषभ काल शाम 6:18 से 8:14 तक रहेगा। धनतेरस का पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से 8:11 तक रहेगा। सेहरा से 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार, कोई नुकसान या अलगाव आपको फिर वापस जाने के लिए मजबूर कर सकता है। मन की शांति और जो टूटा हुआ है उसे जोड़ने के लिए इस मौके का फायदा उठाएं। दादा दादी या बुजुर्गों को आपकी देखभाल की जरूरत होगी। आराम करें और विलासशीलता से बचें। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। आज भौतिक सुख आपको लुभाएंगे। आपके भीतर आमदनी से अधिक खर्चा करने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। आपके द्वारा लिए गए विचार से निर्णय पूरे महीने यादगार रहेंगे। अगर आप अपने अतीत से बाहर निकलने में समर्थ हैं तो आप अपने जीवन के हर समस्या से बाहर निकलने में समर्थ हैं। आज धन प्रदायक दिवस है। अपने नज़दीकी व्यक्ति की मदद करके आपको खुशी महसूस होगी। विद्यार्थियों को भी प्रतियोगिता संबंधित परीक्षा में सफलता मिलने के प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बन सकती है। मित्रों के साथ मेल जोल बना रहेगा। जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश करें। अधिक लोगों से परिचय होने से व्यक्तिगत लोगों में मदद मिल सकती है, लेकिन लोगों से मदद मांगते वक्त सतर्क रहें। कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों के काम में रुकावट महसूस होगी। पार्टनर में आर्थिक बातों की वजह से विवाद हो सकते हैं। बीवी संबंधित समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। सावधानियाँ, दूसरों के आलोचना में भागीदार ना बने, इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं तथा मामूली सी बात पर मित्रों से टकराव भी होने की आशंका है। अपने व्यक्तिगत कामों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद रहेंगे जिसका असर
उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वभाव में नरमी बनाकर रखें। जीवन के तन्हाई या अकेलेपन से निजात पाने के लिए प्रेम के रंग में खो जाएं। यह समय आराम, आनंद और भोग करने का है, जहां आपके निस्वार्थ प्रेम और चाहत को देखकर हर कोई आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। आज फिजूल खर्चे आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। अपने फालतू खर्चों को कम करें और लालच या असुरक्षा से अपने रिश्ते को खराब ना करें, इससे आपके और आपके साथी के बीच दरार आ सकती है। जरूरी नहीं कि प्यार कीमती उपहारों से बढ़े, प्यार भरी एक नज़र भी संबंध में कमाल कर सकती है। बात करते हैं करियर की। खुद के और अपने कार्यक्रमों के लिए समय निकालें। आपका पारिवारिक नियंत्रण और परिश्रम आपको आगे तक लेकर आएगा। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आपको खराब स्वास्थ्य के कारण मेडिकल जांच का सामना करना पड़ सकता है। निवास के डर से खुलकर जीना ना छोड़े। आपका व्यवसाय जीवन आज आपको सातवें आसमान में ले जाएगा। अब आपकी क्षमताएं और व्यक्तित्व पूरे आकर्षण में है। प्रकाशन और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विजय और उत्सव से कम नहीं है। आपका करियर आज पूरी तरह से उज्जवल है और आपकी योग्यता आपको हर जगह पहचान देगी। बात करते हैं सेहत की। नसों में खिंचाव तथा जोड़ों में दर्द आदि जैसी समस्या महसूस होगी। व्यायाम व योग पर अवश्य ध्यान दें। आज का उपाय। संध्याकाल पश्चात 13 दीपक प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।